गुड आफ्टरनून एवरी वन हाव यू ऑल आज हमारा जो टेस्ट है वो आपका फाइलम प्लेटी हेलमेंट्स के ऊपर रहेगा चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का क्या रहेगा <coughs> चलिए क्वेश्चन देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल इज एबसेंट इन इनमें से किसमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है बताएंगे एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन निमेटोडा में सिस्टोडा में ट्रीमेटोडा या फिर टर्बिलेरिया इनमें से किसमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट नहीं होती है आहार नाल इनमें से किसमें प्रेजेंट नहीं होती है निमेटोडा में सिस्टोडा में ट्रीमेटोडा में या फिर टर्बिलेरिया में एबसेंट होती है बताएंगे क्या रहेगा बच्चे आंसर <coughs> बोलिए एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है किसमें ट्रीमेटोडा या फिर टर्बिलेरिया में होता है क्या रहेगा देखो बच्चे निमेटोडा तो आपका प्लेटी हेलमेंट्स हम पढ़ रहे हैं प्लेटी हेलमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें क्या है निमेटोडा तो इंक्लूड ही नहीं होता है राइट right? तो ये तो हटा ही दो सिस्टो जो सिस्टोडा होता है आपका क्लास आपका थ्री में आता है किसमें आता है क्लास थ्री ट्रीमेटोडा आपका क्लास टू के अंदर आता है प्लेटी हेलिमेंट्स के और टर्बिलेरिया आपका क्लास वन के अंदर आता है ठीक है तीन क्लास होते हैं प्लेटवॉम्स के यानी कि प्लेटी हेलमेंट्स के थ्री क्लासेस हैं ये इसमें जो सिस्टोडा होता है ना उसमें एलिमेंट्री केनाल एबसेंट होती है ठीक है ट्रीमेटोडा और टर्बिलेरिया इनमें प्रेजेंट होती है बट क्लास थ्री सिस्टोडा में एलिमेंट्री केनाल नहीं होती है ये आपका टेप है किसका ये टेप है बच्चे ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है कहां पर प्रेजेंट होता है ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये टेपवॉम टेपवॉम प्रेजेंट होता है राइट अब ये जो टेपवॉम होता है इसको नरिशमेंट कौन देता है हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना वहां से ये नरिश नरिशमेंट लेता है यानी कि वहां से ये फूड लेता है लेकिन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू फूड लेता है नरिशमेंट कैसे लेता है जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू लेता है तो इसीलिए कह सकते हैं इसके अंदर एलिमेंट्री केनाल एबसेंट होती है ठीक तो है तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका सिस्टोडा चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पूछा है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है टीनिया किस टीनिया किस में आता है ट्रीमेटोडा यानी कि इधर आपकी क्लासेस दी हुई है बच्चे और इधर आपका दिया हुआ है आपका स्पीशीज या आपका जीनस दिया हुआ है इधर आपका जीनस दिया हुआ है और इधर आपकी क्लास दी है प्लेटी हेलमेंट्स की इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है टीनिया ट्रीमेटोडा में आता है नहीं आता है टीनिया किसके अंदर आता है टीनिया आपका आता है क्लास थ्री सिस्टोडा के अंदर तो ये भी गलत है उसके बाद आपका टर्बिल एरिया है देखो आपका है आपका प्लेनेरिया मैंने अभी बताया प्लेनेरिया किसके अंदर आएगा टर्बिल एरिया के अंदर आएगा तो ये भी गलत बच्चा आपका सिस्टोस्टोमा जो सिस्टोस्टोमा होता है ये ट्रिमेटोडा यानी क्लास टू के अंदर आता है तो करेक्टली मैच आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं विच ऑफ दीज इज कैरेक्टर ऑफ प्लेटी हेलमेंट्स इनमें आपको बताना है कि प्लेटी हेलमेंट्स इनमें से कौन सा फीचर रखता है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं रेडियल सिमेट्री होती है उसके अंदर बॉडी ट्रिपलो होती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करती है या तीनों के तीनों फीचर्स या तीनों के तीनों कैरेक्टर्स प्लेटी हेलमेंट्स में होते हैं बताएंगे आंसर क्या रहेगा थर्टी फोर के लिए थर्टी फोर के लिए बताइए बच्चा आंसर क्या रहेगा <coughs> देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है रेडियल सिमेट्री ये गलत है क्योंकि आपका जो प्लेटी हेलमेंट होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं क्या शो करते हैं बच्चा बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं क्लियर है दूसरा ऑप्शन है ट्रिप्लो करेक्ट है क्योंकि आपकी जो प्लेटी हेलमेंट्स होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है ट्रिप्लो ब्लास्टिक बॉडी होती है यानी कि उनकी बॉडी तीन जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है कितनी तीन जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है पहली होती है आपकी एक्टोडर्म दूसरी होती है आपकी मीजोडर्म और तीसरी होती है आपकी एंडोडर्म राइट इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्लेटी हेलमेंट होते हैं उनकी बॉडी ट्रिप्लो होती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता है ये भी आपका गलत है तो ऑप्शन कौन सा जाएगा इसके साथ इसके साथ ऑप्शन नंबर बी जाएगा ठीक है बच्चा चले आगे चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेम सेल्स यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पूछा है फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ इनमें से किसकी सिलेंट्रेट में प्लेटी में, में में, या में? बताएंगे बच्चे बोलो फ्लेम सेल्स इनमें से किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है थ्रू एक्सक्रीशन करता है आपका आ, ये फ्लेम सेल्स किस में किसके अंदर प्रेजेंट होता है सिलेंट्रेट के प्लेटी एनलिडा के के या फिर इकाइनोडर्मेटा के आंसर करेंगे अभी हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका प्लेटी हेलमेंट होता है उसमें एनएसएपसेंट होती है ठीक है जैसे सिलेंट्रेट में एनएसेंट होती है इसमें भी होती है ठीक है लेकिन कोई ना कोई एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो एक्सक्रीशन में मदद करता है राइट तो जो प्लेटी हेलमेंट्स होते हैं ना उनके अंदर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं बच्चे फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स भी आप बोल सकते हैं या प्रोटोनेफ्रीडिया भी उसको बोल सकते हैं ठीक है सोलेनोसाइट्स या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स ये आपके प्लेटी हेलमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती हैं बाकी आपका जो एनेलिडा है उसमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए ठीक है जी चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फिफ्थ के लिए आपका क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर नंबर के लिए ऑप्शन बी जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं मीजोडर्मल टिश्यू फिलिंग अप द स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन एंड फ्लैटवॉर्म्स देखो फ्लेटवॉम जो होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है अभी हमने डिस्कस किया ए बॉडी होती है यानी कि के सीलोमिक कैविटी तो एबसेंट होती है तो उसकी जगह सिलो सिलोमिक कैिटी का मतलब क्या है स्पेस है अगर ए सिलोमेट बॉडी है तो स्पेस जो है वो फिल्ड है तो जो प्लेटी हेलमेंट्स होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है ए सिलोमेट होती है यानी कि फिल्ड होती है तो यही पूछा है कि मीजोडर्मल टिश्यू उस कैविटी को भर रहे हैं उस स्पेस को भर रहे हैं फ्लैट वॉम्स में तो इनमें से वो कौन सा है कौन सा टिश्यू है जो उस स्पेस को फिल कर रहा है ममता नेगी डी मोरोग्लिया, बच्चे पहली बात तो मीजो होगा ये गलत है ये तो गलत है पेरनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा, बोटराइडल प्लेटी हेलमेट में कहीं भी स्क्लेरेनकाइमा का जिक्र नहीं आता है ये भी गलत है नविता ए पेरन कायमा वेरी गुड नविता बोटराइडल टिश्यू भी नहीं होगा बॉटराइडल टिश्यू नहीं होता है देखो पेरन कायमा या फिर मीजन कायमा टीश्यूज आपके फ्लैट वम का जो सीलोमिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर फिल होते हैं जो, जो उसको ए सीलोमिक कैविटी में बदल देते हैं ठीक है तो आपका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो जाएगा आपका थर्टी सिक्स के लिए ठीक है वेरी गुड बच्चा चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं एबसेंस ऑफ एनस इन फ्लैट इज आ ये तो हमने अभी डिस्कस किया है किसके अंदर एनस एबसेंट होती है ये स्पेशलाइजेशन है किसका प्लेटी हेलमेंट्स का तो यही तो पूछा है एनएस की जो अब्सेंस है प्लेटफॉर्म में वो उसका प्राइमरी एक्जीजिशन है सेकेंडरी एक्जिजिशन है स्पेशलाइजेशन है या फिर डी है आंसर करेंगे एनएस का ना होना उसकी जगह एक्सक्रीटरी ऑर्गन का प्रेजेंट होना ये स्पेशलाइज्ड फीचर है किसका प्लेटी हेलमेंट्स का ममता सी वेरी गुड ममता चलिए तो करेक्ट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जाएगा कि एनएस की एन एस का एब्सेंट होना स्पेशाइज फीचर है किसका फ्लैट प्लेटी हेलमेंट्स का चलिए द टेप फूड थ्रू बताएंगे टेप वॉर्म फूड को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं सकर्स के थ्रू हुक्स के रोस्टेलम के या जनरल सरफेस या जनरल बॉडी सरफेस से रोली सी रोस्टेलम बच्चे रोस्टेलम तो हेड में प्रेजेंट होता है ना लेकिन टीन uh, सॉरी ये जो टेप फॉर्म होता है ये क्या है आपका क्लास थ्री के अंदर आता है सिस्टोडा के अंदर आता है ना बच्चे सिस्टोडा क्लास थ्री है किसकी प्लेटी हेलमेंट्स की ठीक है और जो क्लास थ्री होती है उसके अंदर एलिमेंट्री केनाल एब्सेंट होती है एलिमेंट्री केनाल एब्सेंट होती है राइट right? अब जो ये एलिमेंट्री केनाल एब्सेंट है तो जो नरिशमेंट मिलेगा सपोज ह्यूमन की जो स्मॉल इंटस्टाइन है उसके अंदर टेप फॉर्म प्रेजेंट है अब उस टे फॉर्म को खाना तो चाहिए सर्वाइवल के लिए तो वो खाना जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है उस डाइजेस्टेड उस फूड से वो अपना नरिशमेंट लेते हैं ठीक है लेकिन एलिमेंट्री केनाल एब्सेंट होता है तो वो कहाँ से लेंगे जनरल बॉडी सरफेस से अपना न्यूट्रिशन लेंगे ठीक है हाँ जी बच्चे हाँ जी रोली Uh, जल में नहीं अनहाइजेनिक uh, फूड से भी आपकी बॉडी uh, में ऐसा हो सकता है ठीक है या फिर आपका जो uh, uh, आप क्या कह सकते हैं कि जो आप अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो आपको न्यूट्रिशन नहीं देगा तो और ज़्यादा ग्रो करेंगे वो ठीक है ये रहता है सकर्स हुक्स आपके जो टीनिया सोलियम होता है ना उसका हेड जो होता है उस हेड में एक स्ट्रक्चर होती है रॉस्टेलम ठीक है इस रोस्टेलम के अंदर दो रोज में हुक्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे दो रोज में हुक्स प्रेजेंट होता है तो ये हेड का पार्ट होता है और आपका जो सकर्स होते हैं वो आपके यहां पर प्रेजेंट होता है इस तरीके से ठीक है तो ये तो जाएगा ही नहीं ये गलत है ठीक है तो करेक्ट आंसर जनरल सरफेस होगा राइट चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्लेम सेल्स आर रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन या फिर इन्फॉर्मेटरी ऑर्गन होते हैं बताएंगे फ्लेम सेल्स आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है सेंसरी ऑर्गन है या फिर इन्फ्लामेटरी ऑर्गन है बताएंगे क्या है नविता एक्सक्रीटरी ममता बी एक्सक्रीटरी वेरी गुड ये आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं फ्लेम सेल्स किसके अंदर होते हैं प्लेटी हेलमेंट्स के अंदर होते हैं राइट प्लेटी हेलमेंट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो फ्लेम सेल्स या फिर आप सोलेनोसाइट्स भी बोल सकते हैं या फिर आप उसको प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोल सकते हैं करेक्ट है समझ आ गया ना चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास का इन विच पैरासिटिक क्लास द स्नेल इज डेफिनेटली वन ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट पूछा है इनमें से कौन सी पैरासिटिक क्लास के अंदर इंटरमीडिएट होस्ट आपका स्नेल है मोनोजीनिया सिस्टोडा, डाइजेनिया या ट्रीमेटोडा किस क्लास के अंदर स्नेल आपका इंटरमीडिएट होस्ट रहता है बोलेंगे बच्चे स्नेल इंटरमीडिएट होस्ट किस क्लास के अंदर है देखो मीजोजीनिया तो है ही नहीं क्योंकि ये क्लास नहीं है डाइजीनिया क्लास वन के अंदर आता है यानी कि टर्बिल एरिया के अंदर आता है तो ये भी नहीं है सिस्टोडिया जो सिस्टोडा होता है यानी कि क्लास थर्ड जो होती है ना उसके अंदर आपका जो सेकेंडरी होस्ट है वो आपका पिग है फर्स्ट प्राइमरी आपका मैन है ठीक है तो वो भी नहीं है तो बच्चा क्या ट्रीमेटोडा ठीक है ट्रीमेटोडा आपका क्या होगा इंटरमीडिएट होस्ट होगा किसका स्नेल का ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टी के लिए ठीक है वेरी गुड ममता वेरी गुड चलिए फिर स्कोर बताइए कितना हुआ है आज के लिए स्कोर बताइए बच्चे आज का स्कोर कितना हुआ है टेंप्ट नहीं किया बच्चे आज चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टेस्ट के साथ टिल देन टेक बाय बाय